दोस्तों आज आपके 200 रुपये कम से कम बचाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये बचाऊंगा। आज आपको ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आपने इंटरनेट पर पहले कभी नहीं देखा होगा। आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, ये है रेडमी नोट 4, ठीक है, एम आई नोट 4 भी बोल लीजिए इसको। इसके वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहे हैं और बहुत टाइट दबाओगे तो जाके काम करेंगे। देखो मैं कितनी टाइट दबा के दिखाऊँगा जब दबना शुरू हुआ है, ठीक है। हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, मैं बहुत ज़ोर से दबा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है दोस्तों। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में बने रहना। देखिए अगर प्यार से दबाऊंगा तो नहीं काम कर रहे हैं, और ये पावर बटन है ये भी नहीं कर रहा, ये भी बहुत ज़ोर से बहुत टाइट काम कर रहा है। इस कंडीशन में आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं और वो आपको फूल करेगा कि इसका पत्ता चेंज होगा, वॉल्यूम बटन चेंज होंगे, 200 रुपये लगेंगे कम से कम जो नॉर्मल गाँव में बैठा होगा, वरना शहर में तो इसके 500 रुपये तक ले लेते हैं। आज मैं आपको फ्री में करना ठीक बताऊँगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखना ध्यान से, स्किप मत करना, बहुत आसान है। आपके पास कोई भी मॉडल हो, MI का ही नहीं, खाली आपके पास कोई भी मॉडल हो, आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं सब में ये पत्ते वाले बटन आ रहे हैं। अभी मैं आपको खोल के बताऊंगा। सबसे पहले सिम ट्रे निकाल दीजिए, और अगर किसी के पास नोट 4 हो तो अच्छी बात है, वो सेम ऐसे ही कर ले जैसे मैं कर रहा हूँ। ये कस्टमर का फ़ोन है, ये बंदा 3-4 दुकानों से घूम के आ चुका है, कोई 300 कह रहा है, कोई 350, और एक ने 500 रुपये मांग लिए। आपको पता ही है दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग वाले आजकल ऐसा ही है, फ्री का काम उसके भी पैसे ले लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए देखो वीडियो लेकर आया हूँ। आप ये सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर ऐसे खुलेगा, देखो ध्यान से, आप खुद ही कर लेना, बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको इसका बैक कवर आपको ऐसे खोलना है, मेटल का होता है इसका बैक कवर, आपके पास कोई भी सेट हो आप उसका बस इस तरीके से बैक कवर खोल लीजिए, सिम ट्रे निकाल लेना, उसके बाद बैक कवर आराम से खुल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए इस तरीके से इसका बैक कवर खुल गया है, ठीक है। बैक कवर को रखेंगे साइड में। अब देखिए मैं ये जो पत्ता है ना, ये 3 बटन लगे हुए हैं, है ना, इन 3 बटन के अंदर है ना डस्ट चली जाती है या फिर मॉइस्चर चला जाता है। अभी मैं इसे रिपेयर करूँगा और 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, ना तो कोई सामान लगेगा आपका, कुछ भी नहीं लगने वाला। अभी देखना मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ब्लेड होगी घर में। अब आप देखिए ब्लेड की मदद से इस पत्ते कि ये जो टिकलियाँ हैं ना, हमें ये साफ़ करनी है। कैसे करनी है दोस्तों, मैं जैसे बताऊंगा ना वैसे ही करना, अगर कोई स्टेप मिस हो जाए आपसे, स्किप कर दो आप, तो पीछे करके दोबारा देख लेना। इस पत्ते के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है टिकली के ऊपर, देखिए इस स्टिकर को इस तरीके से आप कट कर दीजिए, ना भाई नया भी ना। इस तरीके से आपको इस की ये जो पन्नी है ये हटाकर देखिए, इस की ये जो बबल है ये बबल आपको साफ करना है, और ये पॉइंट साफ करना है। कैसे साफ करना है दोस्तों मैं बताता हूँ। देखो पहले इस बबल को आप एकदम थोड़ा सा अलग कर लीजिए ऐसे ब्लेड की मदद से, बहुत आसान है दोस्तों, खुद से कर लोगे आप, यकीन है मुझे आप पे, क्योंकि आप वीडियो देखकर जब कमेंट करते हो ना कि सर कर ली मैंने, डिस्प्ले लगा ली और चार्जिंग पत्ता भी चेंज कर लिया, तो बड़ी खुशी होती है दोस्तों। मुझे लगता है आपके पैसे बचते हैं तो कि मेरे ही पैसे बच गए। बस ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। इस महंगाई के दौर में अगर मैं आपके कुछ पैसे बचा पा रहा हूँ तो मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। अब देखिए जो इसमें ना कपड़ा लपेट लीजिए, सूती कपड़ा किसी भी उसमें ट्विज़र वगैरह में, आपको ये पॉइंट साफ़ करना है।
बस इसमें डस्ट आ जाता और कुछ नहीं आता। अभी देखना, अभी 2 मिनट में मैं इसको करके दिखाऊंगा। अभी जो ये जो टिकली है ना, ये बबल है, इसको भी आप ऐसे साफ कर लीजिए, आराम से साफ हो जाता है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी काम के है ना आपसे पैसे ले लिए जाते हैं दुकान पर, आपको बताया बताया नहीं जाएगा कि उसने ये साफ़ किया है, वो सीधा ये कहेगा मैंने पत्ता चेंज किया है, 300 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, जैसे पैसे पेड़ पे उगते हों। ऐसे बहुत सारे बंदे मैंने देखे हैं मोबाइल रिपेयर वाले इस तरीके से साफ इसको कर दिया। अब देखिए इसका पावर बटन, मैं आपको देखिए कितने प्यार से काम करेगा ये। ये देखिए बड़े प्यार से काम कर रहा है, बहुत आराम से काम कर रहा है। इसी प्रकार इसी तरीके से हम इन दोनों को भी साफ़ कर लेंगे, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को। और इसके ऊपर मैं एक टेप लगाऊंगा, सेलो टेप आपके पास होगी वो आप लगा देना। ये देखिए ये भी हट गया, इसके अंदर भी डस्ट है और ये ऊपर वाला भी, इनको एक साथ ही साफ कर दूंगा। ये देखो दोस्तों, ये फ्री के काम होते हैं मगर इस काम के भी भाई साहब पैसे ले लिए जाते हैं। अब ये किसी गरीब आदमी का है यार, पुराना फ़ोन चला रहा है वो, कम से कम ये 4-5 साल पुराना फ़ोन है, ज़्यादा ही हो गए होंगे इसको, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। कोई मज़दूर आदमी है, सुबह सुबह बंदा बता रहा है कि उनको भैया कोई 350 मांग रहा है, आप बता दो भैया कुछ कम ले लो, आज काम भी नहीं है। मैंने कहा तू फ़ोन दे, आज तेरा काम तो करूँगा ही, बाकी मैं सबको सिखाऊंगा, ये अपनी ऑडियंस को सबको दिखाऊंगा, अपने व्यूवर्स को। ये इस तरीके से साफ़ किया जाता है दोस्तों, चेंज नहीं किया जाता पत्ता, ठीक है। आपको मैनिपुलेट करने वाले बहुत होते हैं कि मैं चेंज करूंगा, मैं तो ओरिजिनल डालूंगा, ये डालूंगा वो डालूंगा, कुछ है नहीं भाई साहब, यही काम करके दे देगा। और ये ओरिजिनल काम हुआ है आपका। अभी इसमें अभी दोस्तों अभी कट मत करना वीडियो को, मैं एक एक काम मुझे मेन काम करना बाकी है इसमें। ये देखिए दोनों मैंने साफ कर दिए, बस आपको सूती कपड़ा लेना है, ठीक है दोस्तों, सूती कपड़े से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, कुछ मत लगाना इस पे। और अगर गर्ल्स देख रही हैं, काफ़ी जो कमेंट करती हैं बहन मेरी कि सर अच्छे लगी वीडियो, खुद से मैंने बहुत सारे टिप्स बताए हैं अपनी वीडियोस में, आप कर लेते हो मुझे पता है, तो अगर गर्ल्स देख ली हैं तो वो खास तौर से ध्यान रखें, वो खुद ही कर लें इस काम को, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं गर्ल्स कर नहीं सकती ये काम, सब हो जाता है बहन। अब इसको ऐसे दबा दीजिए, आपके 200-300 रुपये बच जाएंगे। अब देखिए मैं इस पर एक टेप लगा दूंगा, आप सेलो टेप लगा दीजिए इस पर, मैं भी लगा देता हूँ, कैसे लगानी है दोस्तों मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे, ताकि इसमें डस्ट दोबारा ना जाए। और पता है अगर आप शॉप पर जाएंगे ना किसी पे कराने के लिए, देखो मैं आपको उनकी एक कहानी बता देता हूँ कि वो ये करते हैं कि ये टेप नहीं लगाते ऊपर से, वो ऐसे ही साफ़ करके दे देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि 10 से 15 दिन बाद दोबारा से मट्टी घुस जाएगी उसमें, और फिर कस्टमर दुकान पे आएगा, फिर उससे फिर पैसे ले लेंगे। तो वो अपना एक जुगाड़ बांध लेते हैं कि हर 15-20 दिन में इससे पैसा कमाना है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो,
ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए यार, एक एक चैनल मेरा भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, एक चैनल मेरा भी कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल तो आजकल सबकी ज़रूरत है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। और 50% मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम मैं ऐसी बताता हूँ दोस्तों, कि जो आप घर पे खुद से ठीक कर सकते हो, उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अब देखिए, अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगा। इसका जो इसमें देखिए डस्ट है, अगर आपको दिखाई दे तो, है ना, डस्ट है। इस डस्ट को भी हम क्लीन कर लेंगे ब्रश, थोड़ी सी ब्रश से इसकी मिट्टी अच्छी तरह साफ़ कर देंगे, ताकि भाई को दोबारा प्रॉब्लम ना आए। ये इसका पावर वाला है, सूखी ब्रश मारनी और कुछ नहीं करना दोस्तों, टेंशन मत लेना, बड़ा अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना खुद से कर लेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 मिनट का काम है ये। ये अपने आप इसमें फिट बैठेंगे, टेंशन मत लेना। थोड़ी सी इसकी बॉडी मुड़ी हुई है, तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये जो बटन है इसको। अब ये देखिए पूरे तरीके से फिट बैठ चुका है। अब इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे बंद कर देंगे बस। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यार से काम करेगा। अब इसका वॉल्यूम बटन भी मैं चेक करा कर दिखाऊंगा आपको। अब देखिए इसमें वॉल्यूम बटन, देखिए ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए मेहमान हैं तो। ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और आपके पैसे बचाता रहता हूँ और बचाता रहूँगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और प्यारी सी कमेंट छोड़िए नीचे, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।